और चौथी बड़ी खबर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु होंगे शामिल। युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के समर्थ मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत धूरिया करेंगे प्रभारियों को प्रशिक्षित। चौथी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौथी बड़ी खबर, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु होंगे शामिल। युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के समर्थ मिश्रा भी रहेंगे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत धूरिया करेंगे प्रभारियों को प्रशिक्षित। और इस खबर पर भी हमारे साथ दुष्यंत पाराशर जुड़ चुके हैं। जी दुष्यंत, इस खबर पर क्या अपडेट है, जिसमें कि ये बताया जा रहा है युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु होंगे इसमें शामिल और युवा कांग्रेस चुनाव प्राधिकरण के समर्थ मिश्रा भी इसमें मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत धूरिया भी प्रभारियों को प्रशिक्षित करेंगे, क्या अपडेट है? देखिए, हर एक विधानसभा के लिए, हर एक ब्लॉक के लिए यहाँ पर एक एक प्रभारी जो है वो यूथ कांग्रेस की ओर से नियुक्त किया गया है। और चूंकि मध्य प्रदेश में आगामी साल में चुनाव और उसको लेकर तैयारियां जो है यूथ कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस लगातार कर रही है, ये भी उसी का उदाहरण है कि यूथ कांग्रेस जमीन तक पहुंचकर अपनी बात को जनता के बीच में रखना चाहती है। और कोशिश भी यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सरकार की खामियां जनता के बीच में पहुंचाई जाए, उनको गिनाया जाए। और यूथ जोड़ो अभियान जो यूथ कांग्रेस चला रही है, उस अभियान को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, लोगों युवाओं को यूथ कांग्रेस से कैसे जोड़ा जाए, क्या ऐसी विचारधारा होगी, कैसे कार्यकर्ता जो है वो काम करते हुए नजर आएंगे, तो इस पूरी रूपरेखा के साथ में जो 125 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं पूरे प्रदेश भर के लिए, तो उन प्रभारियों को यहाँ पर प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम जो है वो आज आयोजित किया जाना है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दोपहर 12 बजे कार्यक्रम का आयोजन होगा। और इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए तो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय इंचार्ज कृष्णा अल्लावरु शामिल होंगे। उनके साथ साथ जो यूथ कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के प्रभारी हैं समर्थ मिश्रा, वो भी कार्यक्रम में शामिल होंगे और तमाम सारे प्रभारियों को प्रशिक्षित करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए प्रदेश से जुड़े नेताओं की, तो प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत धूरिया के साथ साथ यूथ कांग्रेस के प्रभारी अखिलेश यादव, सह प्रभारी पराग शर्मा के साथ साथ तमाम सारे पदाधिकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। और जो प्रभारी नए नियुक्त किए गए हैं उनको ये बताते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से यूथ कांग्रेस के अभियान को आगे बढ़ाना है, यूथ को कैसे बूथ पर जाकर जोड़ना है, ज्यादा से ज्यादा यूथ को जब जोड़ा जाएगा तो इसका सीधे तौर पर फायदा 2023 के जो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं उसमें कांग्रेस को मिल सकेगा। और यही प्रयास है कांग्रेस का कि ज्यादा से ज्यादा यूथ को जोड़कर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहराया जाए, ताकि जो कांग्रेस की योजनाएं आधार में लटक गई या सरकार जाने के बाद जो योजनाओं को वर्तमान सरकार ने तवज्जो नहीं दी, उन योजनाओं को आगे। जी जी, आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ। दुष्यंत पाराशर भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता हैं। और आपको बता दें, यूथ कांग्रेस के प्रभारियों का प्रशिक्षण आज है। 125 विधानसभा के प्रभारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौथी बड़ी खबर, यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान में देंगे।